इंटरनेशनल वुमेंस डे पर सीएम शिवराज ने दिया महिलाओं को खास तोहफा, इन्हें मिलेगी अतिरिक्त छुट्टी। सीएम ने ट्वीट कर प्रदेश की सभी माताओं बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बहन और बेटियों का उत्थान ही मेरे जीवन का प्रमुख ध्येय है। महिलाएं आज हर कार्य क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं और उन पर मातृत्व तथा घर संभालने की जिम्मेदारी भी है। सीएम शिवराज ने महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त सीएल दिलाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश मिला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बहन बेटियों के उत्थान हेतु अनेक निर्णय लिए। मित्रों, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, होली के कारण कोई कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन इसके पहले भी हम कुछ चीजें बहनों के कल्याण के लिए कर चुके थे, लेकिन कल मैंने ट्वीट करके कुछ जानकारियां दी थी। एक, मध्य प्रदेश में हमने तय किया है सरकार ने कि हमारी जो बहनें हैं जो शासकीय सेवा में हैं, मातृत्व की जिम्मेदारी भी उनको संभालनी होती है। कई बार महिला होने के कारण कई और व्यस्तताएं उनकी होती है और इसलिए हमने तय किया है कि अतिरिक्त रूप से 7 दिनों का आकस्मिक अवकाश उनको और दिया जाएगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वे इस अवकाश का उपयोग अतिरिक्त रूप से कर सकेंगी। अब ये उनके ऊपर हैं कि वो कब लें। हमने ये भी तय किया कि कक्षा 10 के बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज में बेटियों को वित्तीय साक्षरता हेतु पाठ पढ़ाया जाएगा जो महिला उन्मुखी होगा। बालिकाओं को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई, परंपरागत लोक कलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित होगी। हथकरघा और हस्तशिल्प की जो कारीगर हमारी बहनें हैं कई जगह बहुत अद्भुत काम कर रही, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम कर रही, उनको NID व NIFT संस्थानों के माध्यम से आधुनिक डिजाइंस और उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वो अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने कौशल को और निखार सके और बेहतर काम कर सके। साथ ही सीएम ने छात्राओं के लिए भी जॉब फेयर लगाने का ऐलान किया और अध्ययनतर छात्राओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण आयोजित करने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे।